यूपी के हाथरस कांड पर जारी बवाल के बीच इस मामले में अब ट्विस्ट भी आने लगे हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक लड़की के भाई के मोबाइल नंबर और आरोपी के बीच हाल तक फोन पर बात हुई थी। 19 वर्षीय लड़की का दिल्ली के अस्पताल में 29 सितंबर को निधन हो गया था। परिवार वालों ने आरोपियों पर गैंगरेप और मारपीट का आरोप लगाया था। इस बीच यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उधर शीर्ष अदालत ने पीड़ित फैमिली की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच में पता चला है कि पिछले 5 महीने में मुख्य आरोपी और पीड़िता के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड नंबर पर कम से कम 100 बार बात हुई है। अधिकांश कॉल चंदपा क्षेत्र स्थित सेल टावर से किए गए थे, जो पीड़िता के गांव बूलगढ़ी से बमुश्किल 2 किलोमीटर दूर हैं। फिलहाल एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज़।